देश के प्रधानमंत्री जी ने आवासहीन कच्चे आवास ऐसे लोगों के लिए एक उन्होंने सामाजिक और आर्थिक रूप से जो 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश भर में इन्होंने ऐसे लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किया कि कच्चा और मकानहीन लोगों को मकान उपलब्ध कराया जाए, और इसके लिए जो 2011 की जनगणना को आधार मान करके 1.5 लाख रुपये तक मकान के लिए देना उन्होंने तय किया है। अब देखते हैं आगे उस पंचायत के ग्राम सभा में उसको सत्यापित किया है, वहाँ से डेट उसकी कौन कौन सी किस क्राइटेरिया में आकर के उसको 1.5 लाख रुपया किसको मिलता है, आवासहीन और कच्चे आवास इन लोगों को प्राथमिकता देने का तय किया है। जो भी गाइडलाइंस केंद्र सरकार ने दिए हैं उसके तहत राज्य सरकार उन सारे मापदंडों के आधार पर नए सिरे से उस पर उनके पालना करनी है। सबसे बड़ा जो गाइडलाइंस आ रही हैं उसमें BPL में संख्या भी बढ़ोतरी होगी, और उसमें जो लाभ मिलने वाले हैं उनकी भी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, और इसमें इस प्रकार की व्यवस्था केंद्र सरकार करने जा रही है ताकि किसी प्रकार की बीच में कोई गड़बड़ी नहीं हो। सीधा जो भी सरकार जिस भी योजना के तहत उनको लाभ देना चाहती है BPL को, उसका लाभ उसको मिल सके, तो इसके बारे में भी सरकार जो भी गाइडलाइंस आती है, जब जब भी केंद्र सरकार की आती है तो राज्य सरकार उसके ऊपर गहनता से विचार विमर्श करके उसके आधार पर उसको लागू करने का प्रयास करती है। खालिद कुरैशी साहब और सुनील जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद साहब नमस्कार। सर नमस्कार, बताए सर। सर सरकार को ये जो BPL वगैरह या कोई जैसे आधार कार्ड ये सब सिस्टम खत्म करना चाहिए, सबका खाली भैया एक पहचान पत्र हो या राशन कार्ड हो, जिससे सबको सुविधा दी जाए जो गरीब हो। अब मैं भी गरीब हूँ, मुझे तो कभी कोई अगर किसी को कहते हैं कि BPL बना दो वाला तो नहीं बनाते हैं। लोगों को पता नहीं क्या भरम हो गया कि हमारे पास कोई पैसा है, मजदूरी करने वाला वो सब गरीब ही होते हैं। अब BPL जो बनती है सरकार वो ऐसे लोग बनते हैं जो पहले से करोड़पति। शुक्रिया सर आपका। सुनील जी आप क्या कहना चाहेंगे? अश्विनी जी नमस्कार। जी नमस्कार अश्विनी जी, सवाल अच्छा है, गरीब कौन? मैं आपसे खाली इतना सा जानना चाह रहा हूँ कि आज अपने राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल सरकार हो, BPL जो कार्ड बन रहे आप ये देखो, 100 में से 20% ही खाली गरीबों के कार्ड बन रहे, बाकी BPL कार्ड राजनेताओं अधिकारियों कर्मचारियों के बने हुए। आज इनकी जांच कराई जाए ना, पता लगे कि BPL कौन है गरीब कौन है। यानी कि आज मेरी नजर में गरीब गरीब नहीं है बल्कि वो अमीर है। गरीब कौन है? जैसे आज जो मंत्री MLA विधायक अधिकारी ये गरीब है। शुक्रिया आपका भी। शंकर जी फिर से आपका रुख करता हूँ। एक सवाल जो सुनील जी ने खड़ा किया आपने, ठीक है, गरीबी के पैमाने को व्यापक कर दिया आपने, गरीबों को डिफाइन कर दिया, 22 लाख से 61.5 लाख तक गरीब परिवारों की संख्या पहुंच गई, लेकिन उसके मुताबिक सहूलियत कैसे मुहैया करा पाएंगे, सवाल इस बात का भी है। राजस्थान की सरकार फिलहाल इसी को लेकर पसोपेश में। देखिए कोई ऐसा पेशोपेश की बात नहीं है, बर्णाव साहब बैठे हैं सरकार में, रहे हुए हैं वर्षों तक, इन्होंने अनुभव है कि सरकार कोई भी हो उनका एक सिस्टम होता है कि जब प्यास लगती है तभी कुआ खोती है। आज सरकार के सामने ये फिगर आए हैं कि भाई हमें इतने लोगों को देना है, उस हिसाब से सरकार बजट एलोकेशन भी करेगी, केंद्र से पैसा लेना है तो भी लेगी, और केंद्र सरकार के सामने भी ये सारे स्टेटों के जब आंकड़े जाएंगे उनको भी अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, वरना सरकारें चलेगी कैसे। तो इसलिए अब मान लो जो पहले BPL परिवार थे उन परिवारों के लिए जो मार्च में बजट आया, अप्रैल में बजट आया, वो पास किया, उसके अंदर जो कुछ भी प्रोविजन होना था हो गया। अब जो नया सर्वे आया है या नया आया है उसके हिसाब से नया एलोकेशन होगा। जैसे मान लो 6th पे कमीशन आया था या 7th पे कमीशन की बात अब हो रही है, तो वो जो भी आया है तो उसका जो पैसा आता है तो सरकार प्रोविजन करती है उसका। तो इसलिए इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई पेशोपेश की बात नहीं है। एक एक सरकारी एक लवाजमा है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम में बैठक करना, बात करना, उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना, यही तो बातें हो रही है। और ये थोड़ी हो रहा है कि साहब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है ये भी एक समस्या है, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं है। केंद्र की योजनाओं की कटौती की गई पहली बात है, केंद्र ने राज्यों का मत कम कर दिया। दूसरी तरफ एक अगर गरीब परिवारों की संख्या बढ़ जाती है, तीन योजनाओं को जोड़ रहे हैं, खाद्य सुरक्षा भी आने वाले वक्त में इसी से जोड़कर देखी जा रही है, ऐसे हालात में कैसे काम होगा। मैं लौटूंगा आपके पास में। इंद्रोजा जी है और साथ में जाकिर अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जाकिर साहब। जाकिर साहब ओझा जी क्या रुख करता हूँ। नमस्कार ओझा साहब बताए। हरी सर मेरा ये नहीं, आज का सवाल तो बहुत ही सरल सवाल डिबेट में आपने रखा है। जी सर। हरी साहब गरीब को ढूंढना का दिक्कत है, मेरे तो ये समझ नहीं आ रही है। सुनील जी बैठे, इनके पार्टी का एक नारा था गरीबी हटाओ, बहुत पहले नारा दिया था इन्होंने जी। और इनके शायद सुनील जी को मालूम होगा UPA सरकार में लालू प्रसाद यादव ने गेहूं जब महंगे हो तो ध्यान दिया था कि गरीबों ने दो वक्त खाना शुरू कर दिया, इसलिए गेहूं महंगे हो गए। गरीबों को ढूंढना तो मेरे ख्याल से मुश्किल है ही नहीं,
बहुत आसान है परीक्षा। और एक और बता देता हूँ सर, गरीबों को ढूंढने का तरीका, किसी आदमी को पूछ लो कि सरकार किसे कहते हैं, अगर वो उसका जवाब नहीं दे पाए तो वो गरीब है, इसमें कोई शक नहीं। जिसको पता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सुनील जी। मैं उम्मीद करूंगा पहले तो आपका जवाब मिल गया होगा, शंकर जी ने जो बात कही। नहीं, मेरी बात से बिल्कुल जवाब नहीं मिला, शंकर जी ने केवल उसको गोलमोल घुमाया है, उसका प्रत्यक्ष जवाब नहीं आया है। मेरा तो कहना यह है कि सरकार दो बजट ला चुकी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी तीन बजट ला चुकी है। अब इन बजटों के अंदर आप उस अलोकेशन का एक बार एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाए कि सोशल सिक्योरिटी या गरीब के ऊपर क्या मद बरकरार भी रखे गए हैं क्या। तो मेरा इसमें केवल कहना यह था कि आप केवल एक आंकड़ों की गिमिकबाजी की बात छोड़िएगा, आप तो ये बताइएगा कि प्रति गरीब आप क्या अलोकेट करने जा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्या, एक बार के लिए हम मान लें कि ये आगे की बात हो सकती है, फिलहाल इसको लेकर किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या ये आधार सही है। प्रश्न है ना, स्टैटिस्टिक्स तो ये कह रही है कि जहां पहले गरीब पे 100 रुपया खर्च किया जा रहा था, वहां अब 10 से 12 रुपया खर्च किया जा रहा है, 100 रुपए का 10 से 12। अब 87-88 की बात नहीं कर रहा हूं, तो जहां पहले ही मुझे लग रहा, हम लोगों को लग रहा था कि और इसका इसको स्कोप को वाइड किया जाना चाहिए, 12-13% पे आ गया। ये तो योजना की बात है, पूरी योजना पूरा एलोकेशन, आप पूरे सोशल सिक्योरिटी का ओवरऑल सोशल सिक्योरिटी, अरे आप ये देखिए एग्रीकल्चर जैसी जगह रिग्रेसिव ग्रोथ रेट की तरफ जा रही है, आप ऐसे में आप गरीब को आप कुछ देना नहीं चाहते, केवल बात बना रहे। मैं ये कह रहा हूँ सरकार ने, केंद्र सरकार ने 32-42% सेंट्रल लोकेशन जो है बढ़ाया है, 10% बढ़ाया है, और उसके बदले में कुछ जो ये फालतू की स्कीमें जो चलती थी सोशल सिक्योरिटी के नाम पर, जो केवल कागजों में चलती नहीं, नहीं, एक गरीब की आप स्कीम, आप एक की स्कीम, हाँ, बिल्कुल फालतू की, हमारी समस्या यही है, आपको आप गरीब को फालतू मानते हैं, पूरी बात सुन ले, उसके बाद फालतू की योजनाओं का जिक्र कर रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा जो अनावश्यक योजनाएं चलती थी, पानी के लिए कोई काम कर रहा है, एनजीओ को पैसा दे रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो स्कीमें बंद करिए और उसका 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट को बढ़ा दिया है टोटल मिला करके। आज नरेगा के अंदर जितना पैसा 32,000-34,000 करोड़ रुपया ये दे रहे थे, 64,000 करोड़ का प्रोविजन किया है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो पैसा नहीं आएगा क्या? और पिछली बार जितना पैसा दिया है, मैं चैलेंज कर रहा हूं सुनील जी को, जो पिछले 2 साल में जितना पैसा दिया है, आपने पिछले 5 सालों का आंकड़ा निकाल के बता दो, मैं देख करके। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, 64 नहीं 38,500 दिया, 38,500 है तो बढ़ाया है, ठीक है, कम नहीं हुआ, लेकिन वो 12,000 करोड़ पिछला मिलेगा मिलेगा क्या? लेकिन सवाल ये है जो कमल जी ने पहले भी खड़ा किया, वो एक सरकार के आंकड़े की बात है, इसके अलावा मैं सर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपने पिछला 12,000 करोड़ रुपया चुकाया नहीं और आपने 38,000 करोड़ का नया प्रोविजन किया, तो क्या मतलब जब आपको 12,000 करोड़ रुपया तो पुराना ही चुकाना है, आपका प्रोविजन और बढ़ाना चाहिए, आप बताते क्या करके आपके पास आखिर में आऊंगा। मैं उससे पहले बनावत जी आपका विरोध करना चाह रहा हूँ, ये तीनों तस्वीर हमारे सामने, उसके बाद कैसे समझा जाए कि इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट अधिकारी ठीक से कर पाएंगे, सवाल इस बात का भी है। खाद्य सुरक्षा पर मैं बाद में बात करना चाहूंगा, मनरेगा को लेकर बात हो रही है, बजट एलोकेशन होता है लेकिन उसको किस तरह से राज्यों में हिस्सा बट पाता है हम देखते हैं तस्वीर, प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या तस्वीर है हम देख पा रहे हैं, कैसे इसके जरिए सोशल सिक्योरिटी की जाएगी, शिक्षा और कौशल की बात की जा रही है, रोजगार डेवलप होगा लेकिन कैसे होगा? देखिए दो तरीके होते हैं सोशल सिक्योरिटी को देखने के, एक तो एक जो भी पैसा बांट दें लोगों के अंदर और अनुदान आधारित जो भी योजनाएं रही हैं उसी में गड़बड़ होने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए, इसलिए होने की कोशिश ये होनी चाहिए कि पैसा जितना भी रखा जाए उसका उपयोग इस तरह से किया जाए कि गरीब व्यक्ति अपने रोजगार या अपनी आमदनी बढ़ाने में अधिक सक्षम बन सके। और मेरे ख्याल स्किल इंडिया की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर कोशिश इसी बात की है, किसी भी व्यक्ति को आप केवल जैसे कहा जाता है अंग्रेजी में एक बार एक साधन दे दो हर बार दिए जाओ उसको, कोई पैसा दिए जाए किसी भी माध्यम से दें तो उससे व्यक्ति की क्षमता नहीं बढ़ती है आयवर्धन की। मैं चाहता ये हूँ, इच्छा मेरी ये है जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि जो भी पैसा बचे जितना पैसा भी सोशल सिक्योरिटी के लिए हो, और दूसरा इसमें बढ़ाया जा सकता है, बहुत सारी प्राथमिकताएं सरकार को तय करनी है कि पहले प्राथमिकता क्या है। बहुत सारी ऐसी योजना है जिसकी बात अभी शंकर जी भी कर रहे थे कि ऐसी हो सकते हैं, रिव्यू करके किया जा सकता है कि इस तरह के कामों में सरकार को पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, और जो पैसा गरीबों के नाम पर खर्च किया जाए वो भी केवल अनुदान के रूप में देने के बजाय क्या उसको। लेकिन हम फिर बुनियाद पर आए जो कमल जी ने शुरुआत में सवाल खड़ा किया कि सर्वेक्षण का आधार जो है उसमें कैसे समझ लें कि गरीब की परिभाषा ठीक से डिफाइन हुई है या नहीं। एनडी कादरी साहब है बीकानेर से, नमस्कार सर। ये बिल्कुल ठीक है, नमस्कार सर, आ रहा हूँ। ये तो एक विवाद का जी हमेशा जी बताए सर। हाँ सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ मैं एनडी कादरी बीकानेर से निवेदन कर रहे हैं, हमारा कहने का मतलब ये है
कि सरकार आज तक कोई पैमाना तय कर पाई है क्या कि ये जो है अपने बीपीएल क्या है, एपीएल क्या है और गरीबी रेखा के नीचे कौन है। राशन कार्ड असल में जो है उन लोगों को इशू हो रखे हैं जो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में है और जो है पेंशन ले रहे हैं, इनके घर 50,000 रुपए आए हैं, उन लोगों को जो है ये मिल रहा है और जो गरीब लोग हैं उनको अभी तक किसी प्रकार का कोई राशन नहीं मिलता है, कहीं भी कोई कुछ नहीं मिलता है, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, उनकी कोई सुनाई भी नहीं होती है। सरकार ने तो सेंटर की सुनती है। चलिए ये आपका भी रुख है, बहुत बहुत शुक्रिया खंडेला साहब, आपके रुख के साथ ब्रेक पर जाना चाहूंगा। आप कह रहे थे कि अग्रवाल साहब ने जो चीजें कही हैं उनमें कहीं खामी हो सकती है, लेकिन स्किल इंडिया वाली जो बात कही भानावत जी ने उसके बाद क्या उम्मीद करें हम? मैं हर बार जो है इंप्लीमेंटेशन को जोड़ देने वाला आदमी हूं। मैं प्लान बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं दो तीन बातें आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो इसे दुरुपयोग करता है उसको कोरिजेबल ऑफेंस क्यों नहीं माना जाना चाहिए, इकोनॉमिक ऑफेंडर क्यों नहीं माना जाना चाहिए उसको? अगर इकोनॉमिक ऑफेंडर मानेंगे सारे समस्या अपना। दूसरी बात, जो आपने जिसको भी आपने जो लिस्ट बनाई है मैं उस पर बहस में नहीं जाना चाहता, उसको आप मूल अधिकार के रूप में क्यों नहीं देते? आपका अधिकार है, अगर आपको नहीं मिला किसी भी रूप में तो कम से कम आपका अधिकार है, जो अधिकारी हैं वो पनिश होंगे। तीसरी बात, मेरे को ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आप ये कह रहे हैं साहब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन सरकार ने किया, इतना सहज रूप से कह दिया, और गरीबतम दरिद्रतम नारायण उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, उसके लिए आप सोच रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं उसको प्रोविजन को हटाकर इनके लिए पूरी राशि क्यों नहीं लगाते, आप मुझे बताइए जरा। अगर मानो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, आपने जो है कि सहज रूप में ये कहा कि आर्थिक विकास सबके लिए होना चाहिए, और मैं अर्थशास्त्र का, ये एक अलग सवाल, एक मिनट, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं लिया जाना चाहिए क्षमता के अनुसार और दिया जाना चाहिए आवश्यकता के अनुसार। ये मूल सवाल इसी बात का है। आप अब आए मुद्दे पर, मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद लौट रहा हूं तुरंत। गरीब कौन है इसको लेकर बहस जारी। सामाजिक और आर्थिक जनगणना से गरीबी का आकलन बिल्कुल नहीं हो सकता, वास्तविकता का हर मतलब संभव पता नहीं चल सकता इससे। बीपीएल सर्वे के आंकड़े जो पूर्व में किए गए थे बिल्कुल महत्व खो चुके हैं। पूर्व में जो बीपीएल परिवार थे वो हो सकता है अब एपीएल हो गए हों या संपन्न परिवार बन गए हों। सरकार अभी भी कोई भी सरकार आई हो चाहे गरीबी का सही आकलन नहीं कर पाई है। जो गरीब लोगों को सस्ता राशन मिल रहा था, 2 रुपये किलो अनाज मिल रहा था, वो भी आजकल बंद हो चुका है। राशन की दुकानें करीब करीब राजस्थान में करीब करीब बंद हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने बीपीएल से जो राशन वितरण प्रणाली है वो इतनी कठिन कर दी है कि आप आधार कार्ड बनाओ, आप भामाशाह कार्ड बनाओ, आप इंस्पेक्टर से वेरिफिकेशन कराओ, आप पुलिस थाने से वेरिफिकेशन कराओ, आप जहाँ काम कर रहे हैं उस इंस्पेक्टर उस विभाग से आप वेरिफिकेशन लेके आओ, नगर निगम से लेके आओ। तो जनता में मतलब ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और किसी प्रकार के इनको गरीबों से कोई ना तो प्रेम है ना ये गरीबी मिटाना चाहते हैं।